हेलो, सलाम अलैकुम जी। हेलो। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो, कौन साहब कहाँ से ये खानिया से कर रहा हूँ। जी? मेरी जान, फरमाए, क्या पूछना चाहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब, कहाँ बोल जेड़ा है तुम्हारा जी? का, उनके वास्ते कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए? किसके लिए? कहाँ बोल कीड़े का हल है, अच्छा, वो दवाई दसो केड़ी इस्तेमाल करी है। सिमा दवाई ठीक है, दानेदार जेड़ी है बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी ने मतलब ना दानेदार, ये जितने बोरर ने, खास हाँ तौर ते कमाद दा जेड़ा बोरर है, ओदे वास्ते बेहतरीन है ये। जितनी दानेदार ने जड़ियां मिलदियां ने तुहानू बेहतरीन। मैं इस वेले किसी की मशहूरी नहीं करना चाहता, मेरे प्रोग्राम देखते रहो। कमाद दे उत्ते मैं हमेशा तुहानू हर स्टेज दे उत्ते, कमाद दे उत्ते मैं पूरी तुहानू इनफॉरमेशन दिती है। पिछले दिन च बल्कि कमाद च कितनी वारी तुसी पानी देना है, 20 पापाशिया ने पूरा शेड्यूल दिता है। इसे तरह उन्होंने, हैं फिर प्रोग्राम सो रहे हैं आपके साथ साथ, वो भी जी देख देख लिया वो प्रोग्राम, देखा है जी, वो पसंद आया? क्यों नहीं, जरूर अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरी जान, जरूर आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला फजल करेगा। कमाद का पूरा ख्याल करें, और कोई मसला हो तो ये फालिया कौन सी जगह पे है? फालिया सहिता से पेंट है साथ में कौन सा? सहिता। अच्छा, नजदीक ही है जी, ये लक जो है, शबाज लक, उसके गांव के करीब है। वो फालिया से दूसरी तरफ है, हम दूसरी तरफ है, वो अच्छा, दूसरी साइड। फालिया से करीबन 5-7 किलोमीटर आगे है, हाँ बाकी हाँ लाख 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइड में है फालिया से। अच्छा। तो और इसके मतलब अलावा तो आप लोग कोई जो बेनिफिशियल या जो मुफीद कीड़े हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? मफेद की रहे, वो इस्तेमाल किए हैं मेल वालों से लेके। हाँ, अच्छा मिल वालों से जाके लें, वो खास तौर पे बड़े ही जबरदस्त चीज है। वो ब्लैक बग और जो चिंच बग है उसके लिए बहुत जबरदस्त है, वो आप उनसे ब्लैक लें। बग जो इस बार बीमारी आई है ना कीड़ा, बहुत हाँ ज्यादा उसने असर किया है कुमार को। हाँ उसने बहुत, और ब्लैक बग का खास तौर पे, ब्लैक बग और चिंच बग भी होती है एक, अच्छा वो तो जान ही नहीं छोड़ा, अभी भी है कमाल से ब्लैक बाग तो तो। वो उधर से लें उनसे। रोव बीटल वो मिलेगी आपको, कंपनी वाले वो जो मिलों वाले हैं वो देंगे आपको रोव बीटल। हाँ, हमने कार्ड लिए हैं, वो कमाल में रखे हैं, बाद लगाएं बिस्मिल्लाह करके, ठीक उसके है? बाद फिर भी उसका भी है। हाँ अच्छा वो जरा वाली कह रहा था ये दानेदार दवाई है ना, हाँ कमाल बड़ा हो गया, अब वो फ्लड नहीं होती, आप लिक्विड इस्तेमाल करें। जो वो कहता है, जो अवेलेबल है वो दे ले लें, कर ले करें बिस्मिल्लाह करके। हाँ दानेदार जो है वो फ्लड कर रहे हैं टॉप बॉलर के लिए, टॉप बॉलर के लिए तो वो ज्यादा बेहतर है ना। ये ठीक हो गया। बाकी हाँ एक और सवाल है आपसे पूछा था 2-3 दिन पहले, होमोकेसर के बारे में, किस? हाँ होमोकेसर के बारे में। नहीं, मैं 1 मिनट, वो उस पे मैंने नहीं किया, मैंने कहा था कि मैं करूंगा प्रोग्राम, जी, वो मैं इंशाल्लाह देखता हूँ, मैं करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना? होमोपैथ के बारे में क्या इसमें अपना होता है, क्या इजरा है इसमें, कितना इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो मार्केट में आया हुआ था चार्जर के नाम पे, अब आए होमोकैथ के नाम पे। लोग कुछ 15 किलो डाल, 15 लीटर डाल देते हैं, कुछ 8 लीटर, कुछ 10 लीटर हो, तो कुछ डालते नहीं है, क्योंकि ये जमीन कमजोर कर देती है। इसके बारे में ना कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन दें। चले, मैं फिर वो देख लेता हूँ ना पहले, ये कौन सी कंपनी कर रही है ये काम? ये हर एक कंपनी के उन्होंने बनाया हुआ है, अच्छा हर कंपनी का बना हुआ लिक्विड है ये। हाँ, लिक्विड है वो। देखें, हर एक ने अपनी चीजें बेचनी होती हैं। वो कहते हैं कुम्हारी जो है अपने बर्तन सहलाती है, उसको कहती है मेरे कम बर्तन सबसे अच्छे हैं। तो ये सारा कोई इससे, इन चीजों पे वैसे ना जाए। वो जो मैंने बताया हुआ है ना,
कि क्या क्या आपने फर्टिलाइजर डालने हैं, किस वक्त डालने हैं वो, और इरिगेशन का खास तौर पे। मैंने कहा कि आप इनको जो आप पाशी है वक्फे वक्फे से, और जो शेड्यूल मैंने दे दिए हैं वो आप वो शेड्यूल के तहत आप करें, और जो सितंबर कास्त करनी है उसके लिए मैंने वैरायटीज बहुत सारी रिकमेंडेड वैरायटीज वो भी दी हैं, ममनुआ वैरायटीज भी उनके बारे में भी की है। आपने सितंबर कास्त का मेरा पूरा प्रोग्राम, पूरे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं वो दिए हैं मैंने। सुने अभी आपके तकरीबन काफी प्रोग्राम सुने हैं, काफी हाँ टाइम मिलता है आपके प्रोग्राम सुने लग जाता हूँ इसके बारे में। इंशाल्लाह बेहतरीन होगा है उमस। ये जो जे मैं कंपनियां, ये भी पहले देख लो ना, ये कंपनियां बेच के आ रही हैं, ठीक है। और मेरी जान, जरखेज जमीन जो है आपके खादों से हो जाती है, और इसके बाद आपने जब इसकी खत्म करेंगे उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर और अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद बाद जमीन की तैयारी से पहले वो डालेंगे, जितना ज्यादा वो करेंगे वो ज्यादा जमीन जरखेज रहेगी। हाँ, और नहीं वो यार कंपनियों से ज्यादा मुतासर ना होया करें ना। ओवरडोज भी नहीं करनी ना, ये कोई जो ये ज्यादा फर्टिलाइजर डलवा देते हैं या अपनी चीजें, ओवरडोज भी हो जाए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की भी ओवरडोज हो जाए तो पता ही है आपको क्या हो जाता है। ओवरडोज हो जाए तो जो मैच्योरिटी होती है डिले हो जाती है, ये देर से पकता है और लॉजिंग हो जाती है और गिर जाता है कमाद। ज्यादा यूरिया देने, नाइट्रोजन ज्यादा यूरिया देने से, और क्वालिटी शुगर केन के जूस की भी जो होती है ना वो भी डिटीरियोरेट होती है, वो भी थोड़ी हो जाती है। हाँ ये याद रखना, ये इफेक्ट्स है ओवरडोज नाइट्रोजन के। मेरे इसलिए मैं कहता हूं ना, प्रोग्राम देखते रहा करें, जो ओवर यो ओवरडोज किसी भी चीज की आप ओवरडोज करेंगे अपने अंदर ही आप देख लें, अगर ज्यादा दूध पिए मतलब अपनी मिकदार से ज्यादा कोई चीज है हाजमे ही खराब हो जाता है। हाँ वो आप स्प्लिट डोज में आपने देना है, स्प्लिट डोज में। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक। और इसमें रेड रॉट तो नहीं आया, वो जो रता रोग वगैरह? नहीं रहता रोग कोई नहीं है, ब्लैक स्पॉट है तो उसके बाद आप आ रहा है टॉप बोर्ड जो है वो अभी आ रहा है हाँ तो वो तो सितंबर आपका ये दानेदार जो जहर देंगे उससे ठीक हो जाएगा, और ये ब्लैक बग और चिंच बग इस दोनों के लिए रोव बीटल यूज करते हैं, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है, फायदेमंद जो कीड़ा है करें। वही जो मिल वाले देते हैं वहीं से लें यार। और आपके वहां शुगर केन का इंस्टीट्यूट भी तो है या नहीं, मतलब गवर्नमेंट का दारा भी कमाद के ऊपर है या नहीं उधर? वो फैसलाबाद में है। आप तो सरगोधा से बोल रहे हैं ना, फालिया, सॉरी फालिया से, फालिया में नहीं है ये, फैसलाबाद में शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इस पे काम कर रहे हैं ये लोग, और वहां से अगर कोई बंदा जा रहा हो उधर से कोशिश करें मंगवाएं उनसे क्या मंगवाएं? ये फायदे वाले जो कीड़े हैं वो। अच्छा, कीड़े जो है दोस्त, कीड़े जो है हाँ दोस्त कीड़े। हो गया। ओके बिस्मिल्लाह, दुआओं में याद रखें, ठीक है, और पूरे फालिये को सलाम, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूं जिसमें ऐसे ही मेहमान की को वेलकम करने और उसको सी ऑफ करने के बारे में एक हदीस मुबारक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है कि आदमी यानी मेज़बान होस्ट अपने मेहमान के साथ इस्तकबाल या अलविदा के लिए घर के दरवाजे तक निकल आए। ये मैं इब्ने माजा से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फी मानला। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।